बिहार के अभ्यर्थी अयोग्य है। शिक्षा मंत्री जी, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे, बिहार वही धरती है? अरे ओ सुशासन कुमार, अरे ओ मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको इस तरह का राजनीति का चक्कर लगा है, लेकिन राजनीति एक अलग विषय है। बिहार में नई शिक्षा नियमावली और डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर के लगातार छात्र युवाओं का प्रदर्शन जारी है। ऐसे में एक बार फिर से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया गया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए क्या कुछ मांगे छात्र संगठन से जुड़े कार्यकर्ता और छात्र कर रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। विद्यार्थी परिषद हमेशा से एक गुरु मंत्र को लेके चला है। हमारे में यहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी में गुरु और शिक्षा का हम लोगों ने दर्जा दे रखा है। तो अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी जो कि अपने जायज मांगों को लेकर बंगला चौराहा पर बैठे हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से, उन पर लाठीचार्ज करना कहाँ तक जायज है? वो लोग अपनी मांगों को रख रहे थे, वो लोग तो कुछ नहीं कर रहे थे, उसमें क्या गलती था कि उन लोगों ने उस पर लाठीचार्ज किया? मैं नीतीश कुमार से और उनके सरकार से ये पूछना चाहूंगी कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से कोई अपने मांग को रख रहा है आपके सामने, तो उसके ऊपर लाठीचार्ज करना कहाँ तक जायज है? आप कह रहे हैं कि बिहार के शिक्षकों में वो क्वालिटी नहीं है, इसलिए आप बाहर के शिक्षकों को बोल रहे हैं यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। अगर बिहार के शिक्षकों में क्वालिटी नहीं है तो वो बाहर जाकर कैसे पढ़ा रहे हैं? आज आप किसी भी स्टेट में जाके देखिए, बिहार के कई ऐसे शिक्षक आपको मिल जाएंगे हर यूनिवर्सिटीज में, ना कि बिहार के लोग बाहर अलग स्टेट्स में आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ा रहे हैं। अगर यहाँ पे क्वालिटी नहीं है तो वो वहाँ जाके कैसे पढ़ा रहे हैं? तो आप किस बेसिस पे आप बाहर के लोगों को यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए दे रहे हैं परमिशन? आप 1% लगाइए, 10% लोग या 20% लोग भर सकते हैं, ये आप कोई इसका लिमिट ही नहीं है। कोई भी आके फॉर्म भर के अगर देगा, बिहार के लोग खुद बेरोजगार रह जाएंगे। आप बाहर के लोग को रोजगार दे दीजिएगा तो फिर बिहार के लोग पलायन के लिए मजबूर नहीं होंगे। हम लोग डोमिसाइल नीति को जिस तरह था पहले उस तरह ही रखना चाहते हैं और इसे दूसरे राज्य, अपने राज्य में ही बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं जिनको रोजगार की ज़रूरत है और बिहार सरकार दूसरे राज्यों को मौका दे रही है। यहाँ इतने लोग फॉर्म भरेंगे तो इतने कम सीट है, लोग को सभी लोग को मिल जाना चाहिए, लेकिन ये लोग दूसरे दूसरे राज्य को आके मौका दे रहे हैं। यहाँ कमी है, शिक्षा मंत्री अपना ट्वीट में 5-7 गलती लिखते हैं एक ट्वीट में और लोग को बोलते हैं कि यहाँ ये शिक्षित नहीं है, केमिस्ट्री के जानकार नहीं है, फिजिक्स के जानकार नहीं है, ये कैसी व्यवस्था की किया हुआ है सरकार? अभी जिस प्रकार से सरकार द्वारा प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में डोमिसाइल नीति में बदलाव लाया गया है, कल को इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई और इंटरेस्ट होगा तो ये पूरे भारत का देश ऐसा कुछ काम कर देंगे जिसके कि भारत देश का अहित होगा और देश विरोध में जा करके वो प्राइज लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले जाएंगे। तो ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या चपरासी के लिए भी मैं योग्य नहीं समझता हूँ, इनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए और घर जाकर जहाँ से वो आए हैं पुड़िया उड़िया बेच रहे हैं वहाँ जाकर उनको पुड़िया बेचना चाहिए। लगातार शिक्षा मंत्री योग्य मिल कहाँ रहे हैं? शिक्षा मंत्री का बयान ही आता है कि यहाँ योग्य अभ्यर्थी नहीं है। मैं तो कहता हूँ बिहार को योग्य शिक्षा मंत्री नहीं मिल रहा है। 2020 में शिक्षा मंत्री ऐसे मिले जिनको 2 दिन में ही इस्तीफा दे करके वापस जाना पड़ा। अभी एक शिक्षा मंत्री हैं जो ट्विटर पर ट्वीट करते हैं तो ट्विटर में जब देखेंगे तो हिंदी लिखने में भी अशुद्धि पाई जाती है। तो ये खुद योग्य नहीं है शिक्षा मंत्री बनने के। तो हम लोग भी मांग करते हैं कि शिक्षा मंत्री यहाँ पर योग्य बिहार में नहीं मिल रहा, हम लोग को बाहर से मंगाने का बनवाने का मौका दिया जाए, हम लोग बाहर के एक शिक्षा मंत्री को ला करके यहाँ रखेंगे। देखिए बिहार विद्यार्थी परिषद ने का विभिन्न मांग है शिक्षा, एक तो शिक्षक अभ्यर्थियों पर जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ है, एक तो नीतीश कुमार आगे आए और शिक्षक अभ्यर्थियों से माफ़ी मांगे, दूसरा है डोमिसाइल नीति जो नीतीश कुमार ने जारी किया है कि पूरे देश से आएंगे इसको वापस लेना होगा, तीसरा है कि बार बार शिक्षक नियमावली में संशोधन करना, इसके खिलाफ में विद्यार्थी परिषद नीतीश कुमार जी के खिलाफ आज एक दिवसीय धरना दे रहा है। देखिए जिस तरह से नीतीश जी बिहार के शिक्षा को रसातल में ले जाने का संकल्प लिए हैं, तो आज बिहार के विद्यार्थी परिषद और छात्र नौजवान ने ये संकल्प लिया है कि इस बार नीतीश जी को सत्ता से हटाने का काम विद्यार्थी परिषद करेगा, क्योंकि इनका एक सपना है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार के छात्र नौजवान जग गए हैं, अरे आप बिहार के मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री क्या, आप अब एक वार्ड का वार्ड पार्षद भी आप नहीं बनिएगा, ये छात्र नौजवान संकल्प ले लिए हैं।
देखिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इतिहास रहा है, हम लोग समस्या के साथ समाधान भी जानते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रमुख डिमांड है कि अगर बिहार में रोजगार देना है युवाओं को, अगर युवाओं को रोजगार देना है तो आप ठीक तरह से एक नियम लागू करें ताकि बिहार के युवा समझ सके कि किस प्रारूप के तहत हमें तैयारी करना है, शिक्षक बनना है। बिहार में जिस तरह से रोजगार का व्यवस्था है, सारे फैक्ट्री बंद पड़े हुए हैं, एक रोजगार का व्यवस्था है सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में अपने 1,70,000 शिक्षकों के बहाली का जो विज्ञापन ढकोसला रचा उसको भी तो कम से कम लागू करें। आज से पहले बिहार में, इसी बिहार में जब वर्तमान में जो तेजस्वी जी के साथ बने हैं सरकार, यही तेजस्वी 2022 में ट्वीट करते हैं कि हम आएंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे, और जब उप मुख्यमंत्री बनने के बाद बंद पड़े हुए, यहाँ से विदेश में राज कर रहे हैं। और विगत कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, ये बिहार के युवाओं के साथ जो अत्याचार है इसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का भी काम करेगा। जैसा कि आपने सुना कि ये जो छात्र बैठे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, इनका साफ कहना है कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के द्वारा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं वो कहीं से सही नहीं है। और जिस तरह शिक्षा मंत्री ने कहा है कि यहाँ योग्य छात्रों की कमी है, तो निश्चित रूप से इसका जवाब देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कहा है कि यहाँ बिहार को योग्य शिक्षा मंत्री नहीं मिल पा रहे हैं और ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दूसरे स्टेट में भेज देना चाहिए। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।